Hey guys, welcome back to my channel, The Glam Up Queen. और आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ लिपस्टिक हैक्स, यानी लिपस्टिक लगाते टाइम आपको किन किन चीजों को ध्यान रखना चाहिए ताकि आपकी जो लिपस्टिक है वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से लगे और साथ ही साथ आपकी जो लिपस्टिक है वो लॉन्ग लास्टिंग चले। और मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी लिपस्टिक लगाने की कि आप किस तरीके से लिपस्टिक अप्लाई करें अपने लिप्स पर ताकि आपके जो लिप्स हैं वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव नजर आए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, लिपस्टिक हैक में सबसे पहले हमें अपने लिप्स एक्सफोलिएट करने हैं। तो गाइस, उसके लिए हम एक स्क्रबर बनाएंगे। मैं यहाँ पर 1 टीस्पून शुगर ऐड कर रही हूँ। उसके बाद मैंने इसमें 1/2 लेमन जूस ऐड किया है, ये देखिए। और गाइस, आप मार्केट से भी स्क्रब यूज कर सकते हैं, मैं यहाँ पर होममेड बता रही हूँ आपको। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टीस्पून हनी और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी ताकि हमारे जो लिप स्क्रब है एकदम रेडी हो जाए, सारी चीजें इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं। सो गाइस, अब हमारा स्क्रब एकदम रेडी हो चुका है। अब आपको अपने लिप्स को कम से कम 3 से 4 मिनट तक अच्छे से स्क्रब करना है ताकि आपके लिप्स की जो डेड स्किन है वो रिमूव हो जाए और हमारी लिपस्टिक अच्छे से अप्लाई हो। तो आपको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से स्क्रब करना है। सो गाइस, देखिए मैंने यहाँ पर स्क्रब कर लिया है। अब मैं यहाँ पर एक कॉटन की हेल्प से अपने लिप्स को अच्छे से पोंछ लूंगी। सो गाइस, देखिए मैंने लिप्स अपने अच्छे से पोंछ लिए हैं। उसके बाद आप कोई भी मॉइस्चराइजर अपने लिप्स पर अप्लाई कर सकते हैं जिससे आपके लिप्स सॉफ्ट और स्मूथ हो जाएं। सो गाइस, मैंने यहाँ पर मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लिया है। उसके बाद बारी आती है कंसीलर की। और गाइस, हम कंसीलर इसलिए अप्लाई करते हैं कि बहुत लोगों के माउथ के अराउंड जो है वो डार्कनेस होती है और लिप्स पर भी पिगमेंटेड होते हैं, तो इस वजह से हमें कंसीलर अपने लिप्स पर भी अप्लाई करना होता है और उसके कॉर्नर पर भी, ताकि हमारे जो लिपस्टिक का कलर है वो अच्छे से दिखे। और ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। सो गाइस, मैंने यहाँ पर कंसीलर अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। उसके बाद बारी आते हैं, मैं यहाँ पर पिंक कलर की लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ जिसका 02 नंबर है। तो गाइस, उसको अप्लाई करने से पहले मैं यहाँ पर आई शेडो अप्लाई करूंगी, इससे अपने लिप्स को लाइन अप करूंगी और साथ ही साथ अपने लिप्स पर इसे अप्लाई करूंगी। तो गाइस, इस तरीके से अगर हम आई शेडो पहले अप्लाई करते हैं तो हमारी जो लिपस्टिक है वो बाहर भी नहीं निकलती, फैलती भी नहीं है। तो आपको पहले इससे लाइनिंग करनी है और साथ ही साथ अपने लिप्स के ऊपर थोड़ा आई शेडो अप्लाई कर लेना है। सो गाइस, मैं यहाँ पर ग्लिटर वाला आई शेडो अप्लाई कर रही हूँ जिसके अंदर थोड़ी शाइनिंग है ताकि हमारी जो लिपस्टिक है वो भी थोड़ी शाइनिंग दिखे। सो गाइस, मैंने यहाँ पर लाइट पिंक कलर की लिपस्टिक आई शेडो अप्लाई कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ। गाइस, अगर आप इस तरीके से लिपस्टिक अपने लिप्स पर अप्लाई करेंगे तो आपकी जो लिपस्टिक है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगेगी और आपकी जो लिप्स हैं वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव नजर आएंगे और आपकी जो लिपस्टिक है वो लॉन्ग लास्टिंग चलेगी। सो गाइस, मैंने यहाँ पर लिपस्टिक अप्लाई कर ली है। सो गाइस, अगर आप अपनी लिपस्टिक को ग्रेडियंट इफेक्ट देना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, एक फ्लैट ब्रश लेना है और उसमें थोड़ा सा हाइलाइटर अप्लाई करना है और आपको अपने लिप्स के सेंटर में इसे टैप टैप करके इस तरीके से अप्लाई करना है। तो गाइस, आप अपने लिप्स को ग्रेडियंट इफेक्ट दे सकते हैं। सो गाइस, अगर आप अपनी लिपस्टिक को लॉन्ग लास्टिंग चलाना चाहते हो तो आप अपने एक ब्रश में थोड़ा सा पाउडर ले लीजिए, उसको अपने लिप्स पर इस तरीके से डैब डैब करके अप्लाई कीजिए। आपकी जो लिपस्टिक है वो एकदम लॉन्ग लास्टिंग चलेगी और आपकी लिपस्टिक हटेगी भी नहीं। सो गाइस, मैं यहाँ पर आपको अपनी लिपस्टिक हटाकर दिखाऊंगी कि ये हटती है कि नहीं। तो गाइस देखिए, आपकी जो लिपस्टिक है आप इसको कॉटन की हेल्प से, टिश्यू पेपर की हेल्प से हटाएंगे, आपकी ये थोड़ी सी लाइट जरूर हो जाएगी बट कम से कम 24 आवर तक आपकी लिपस्टिक बिल्कुल भी नहीं हटेगी। थोड़ी सी लाइट हो सकती है बट आपकी लिपस्टिक हटेगी नहीं। सो गाइस, ये थे मेरे कुछ लिपस्टिक हैक्स। लिपस्टिक अप्लाई करने से पहले आप इन टिप्स एंड ट्रिक्स को जरूर अपनाएं और प्रॉपर तरीके से अगर आप लिपस्टिक अप्लाई करेंगे तो आपकी जो लिपस्टिक है वो फैलेगी भी नहीं, हटेगी भी नहीं और लॉन्ग लास्टिंग चलेगी। कम से कम आपकी लिपस्टिक 24 आवर तक तो रहेगी ही। तो आप इन लिपस्टिक हैक्स को जरूर ट्राई कीजिए।
तो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही, मैं मिलूंगी आपको अगली यूजफुल वीडियो के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।